विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत दिलवाने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोलन के गंज बाजार में वीरभद्र सिंह ने सोलन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी धनीराम शांडिल के लिए प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा ने जनता को आपस में लड़ाने का कार्य किया है और हिमाचल को जाति धर्म और क्षेत्रवाद में बांटा है। उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। जनसभा में वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों से लोगों को अवगत भी करवाया। उन्होंने कहा कि सोलन में कांग्रेस के विधायक धनीराम शांडिल ईमानदार एवं लोगों की सेवा करने वाले पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और एक बार फिर से सोलन से चुनाव जीतकर जनता की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि आज भाजपा की वजह से चुनाव में ससुर और जमाई आमने सामने हैं। वीरभद्र सिंह ने सोलन के प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल को जिताने के लिए लोगों से आग्रह भी किया और सभी को एकता से भाजपा के खिलाफ मतदान करने का आह्वान किया। आज मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप हमारे लोकसभा के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और एक किस्म से चुनावी मीटिंग है ही चुनावी मीटिंग अनिल साहब को जो है आपके भी आपके एमएलए रहे हैं मंत्री रहे हैं आपके हमारे कैंडिडेट है और मेरा पूरा आशीर्वाद इनके साथ है और मैं लोगों के खिलाफ हूँ तो किसी के मरते होते परिवार में शहर मार रही हाँ इंसान मारने वाले लोगों को दूर रखो। जो अपने रिश्ते में सैन मारते हैं तो क्या आपके घर में आकर घर जो है कैसे रह जाएगा। इंसान इंसान के बीच में नफरत पैदा करते हैं, भाई को भाई से जुदा करते हैं, और ससुर को अपने जुआई से जुदा करते हैं। उनका काम तोड़ना है जोड़ना नहीं है। हिमाचल एक है मगर उन्हें नजर आ गया, नीचा पहाड़ ऊपर का पहाड़।